हाय फ्रेंड्स, आप भी IDFC फास्ट बैंक का किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किए और उसका जो इंस्टेंट वीडियो KYC आप नहीं कर पाए, आपका जो वीडियो KYC शेड्यूल हो चुका है, उस वीडियो KYC को रिकनेक्ट करके कैसे वीडियो KYC कंप्लीट करना है, फुल डिटेल्स इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप वीडियो का आगे जरूर देखिएगा। अगले वीडियो में आपको दिखाए थे कि IDFC फास्ट बैंक क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाता है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का आई बटन या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप IDFC फास्ट बैंक का किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड को इजीली घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से अप्लाई कर सकते हैं, उम्मीद लाइफ टाइम फ्री आपको मिल जाएगा। और IDFC फास्ट बैंक का जो ऑफिशियल लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी IDFC फास्ट बैंक का किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किए हैं तो अप्लाई करने का जो लास्ट प्रोसेस है वहां पे आपको वीडियो KYC करना जरूरी है। तो वीडियो KYC करने के लिए यहाँ पे 3 working days आपको दिया जाता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे और संडे यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए यहाँ पे शेड्यूल हो जाते हैं, या किसी भी कारण आपका वीडियो KYC नहीं हो पाते हैं। तो वीडियो KYC को कंप्लीट करने के लिए गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करना है और सर्च करना है कि IDFC फास्ट बैंक क्रेडिट कार्ड भी KYC। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा लिंक ओपन हो जाएगा, तो सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट योर वीडियो KYC स्टार्ट बोलकर इस तरीके से पेज देखने को मिल जाएगा आधार सिंबल के साथ। तो नीचे की तरफ यहाँ पे अपना जो 12-digit आधार नंबर या आधार कार्ड का जो वर्चुअल ID है वो चेक करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड या वर्चुअल ID कोई भी एक चीज फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे एक प्रोसीड बोल करके एक ऑप्शन है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर के अंदर आधार कार्ड की तरफ से यहाँ पे 6-digit OTP सेंड किया जाएगा, सिंपली उस OTP को चेक करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट वाले ऑप्शन है सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद इस तरीके से कॉन्फर्मेशन आ जाएगा, आपके आधार कार्ड के साथ जो एड्रेस है ऊपर की तरफ शो हो जाएगा और आपने जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए है उसके साथ यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स के अंदर क्लिक करना है और उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप ओवर लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स के अंदर क्लिक कर देना है। तो अपना हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ टर्म्स कंडीशन को एग्री करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका मोबाइल नंबर के अंदर यहाँ पे 6-digit OTP आ जाएगा, सिंपली उस OTP को डाल करके यहाँ पे नीचे की तरफ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है, उसके बाद अपना जो लोकेशन है यहाँ पे एड्रेस शो हो जाएगा। तो जिस एड्रेस से अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उस एड्रेस से वीडियो KYC करने पर यहाँ पे आपका जो वीडियो KYC है जल्दी से अप्रूव हो जाते हैं। तो उसके बाद नीचे की तरफ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना होगा। तो वेट करने के बाद यहाँ पे IDFC फास्ट बैंक की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट होने के बाद आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, जैसे कि अपना नेम, आपका और डिटेल्स, आपका एड्रेस, साथ ही साथ आपका यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है उसको इस वीडियो KYC के अंदर शो करना है। उसके बाद आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे पूछा जाएगा, तो उसको सही तरीके से आंसर करना है, तो आपका जो वीडियो KYC 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद अपना जो क्रेडिट कार्ड है अगले 2-3 working days के अंदर आपका जो क्रेडिट कार्ड है अप्रूव्ड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने सारे डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं और इस वीडियो का रिलेटेड आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो का नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हमारा चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं।